ये है ज़िक्सर 250, ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। यहाँ पर कंपनी ने फ्लैक्स फ्यूल को मेंशन किया है, ज़िक्सर को मेंशन किया है, SOCS को मेंशन किया है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आप देखिए सुजुकी का 3D में लोगो मिलता है, डोल टोन में इसका टैंक मिलता है। हैंडल ORVM टैंक के डिज़ाइन को मैं आपको दिखाता हूँ इस एंगल से, ये देखिए। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच मिलता है, लो बीम हाई बीम स्विच, साइड टर्न इंडिकेटर स्विच, एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इसके राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच मिलता है, एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके का है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। हेडलाइट फुल LED में मिलती है, नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं हैलोजन बल्ब के साथ में। अलॉय व्हील का बटन कुछ इस तरीके का है, वाइब्रेट डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। यहाँ पर सुजुकी को मेंशन किया है। इंजन का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, राइट साइड का पैनल कुछ इस तरीके का है। सीट कॉल पर यहाँ पर कंपनी ने 250 को मेंशन किया है। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट एंड रियर प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट LED में मिलती है। इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलती है, सीट इसकी राइडर और क्लिनिकली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ग्रैबरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए मैं आपको इसके सभी टेक्निकल फीचर्स दिखाता हूँ, सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ। मॉडल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है ज़िक्सर 250 FFB। लेंथ, वेट, हाइट, व्हील बेस, व्हील ट्रैक, ग्राउंड क्लियरेंस, कर्व वेट, ग्रॉस वेट, इंजन टाइप, इंजन CC, टॉर्क, ट्रांसमिशन, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, फ्लैक्स फ्यूल यूजेज रेंज। यहाँ पर और भी बाइक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर यामाहा की FZ अवेलेबल है, TVS की अपाचे अवेलेबल है, होंडा की अवेलेबल है, हीरो की अवेलेबल है। सभी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।